आस्था फैमिली लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम मूंग कतली हलवा बनाएंगे जो स्वाद में बहुत ही अच्छी रहेगी और इसको हम व्रत वगैरह में अधिकतर बनाते हैं। चलिए इसके बनाने की विधि को देखते हैं। मूंग कतली हलवा बनाने के लिए हमने 126 ग्राम मूंग लिया, तीन घंटे इसको पानी में भिगा कर रखा। फिर इसके बाद पानी को निकाल कर अच्छी तरह से धोकर पानी निकाल देंगे और उसके बाद मिक्सी के जार में इसको चिकना पीस लेंगे। ऐसे ही पेस्ट बनाना है हमको, इस तरीके से पेस्ट बनाना है। इसमें लगने वाली सामग्रियां हैं, इसके लिए मैंने 120 ग्राम मूंग लिया है, तो 120 ग्राम शक्कर भी लूंगी। एक गिलास दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। पानी लेंगे एक गिलास लगभग, और ऊपर से सजाने के लिए ये सब मेवा लेंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूंग का जो पेस्ट है उसको बड़े बर्तन में डालेंगे, दूध को डाल देंगे। एक गिलास पानी डाल देंगे और ये चीनी को बीच में डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि सभी इसमें चीनी घुल पाएगा। हमको चीनी को अच्छी तरह से इसमें घोलना है ताकि ये अच्छी तरह से इसको हम फेंट भी सकें। ये हमारा चीनी लगभग घुल गया है, आप ये चीनी की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। हमारे यहाँ कम चीनी खाते हैं इसलिए कम डाली हूँ मैं। आप चाहें तो चीनी की मात्रा को मीठा खाते होंगे तो बढ़ा सकते हैं। गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे ना, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गैस पर, अभी घोल को कढ़ाई में डालेंगे। अभी मीडियम फ्लेम में रखे हैं, इसको चलाते ही रहना है, हिलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा, गुठलियाँ हो जाएगा, जो फिर खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो इस तरीका से चलाते रहिए इसको। इसमें हम इसी समय इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसको हम लगातार चला रहे हैं, ये अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। 5 मिनट हो गया मुझको चलाते हैं, इसको गाढ़ा हो रहा है, लगातार चलाते जा रहे हैं, बीच बीच में चलाते चलाना है, मतलब छोड़ना नहीं है चलाना, ये तो नीचे से लगने लग जाएगा फिर। अभी फ्लेम हम लो में रखे हैं, को इसको चलाते 7 मिनट लगभग हो गया लो फ्लेम पर। इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, थोड़ा चिरौंजी, बादाम, काजू के पीसेस, किशमिश, नारियल बुरादा, अच्छी तरह से इसको अभी चलाएंगे। मेवा मैंने आधा ही डाला है इसमें, आधा ऊपर डालने के लिए रख लिया है ताकि हमारा जो कतली है ऊपर से भी सुंदर भी दिखे और स्वाद भी अच्छा लगे। ये जो व्रत करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा फलाहार है, क्योंकि ये हेल्दी भी है। इसमें सिर्फ मूंग दाल, थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच दूध और पानी का उपयोग ही हुआ है, और चीनी, इससे इसका स्वाद चीनी से और बढ़ जाता है। हमारे यहाँ ये चौथ व्रत में बनता है, आज बहुला चौथ है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुला चौथ के दिन लगभग सबके यहाँ ये फलाहार बनता है और इसी को खाकर व्रती महिलाएं जो हैं व्रत को तोड़ती हैं। ये स्वाद में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, आप कभी भी इसको बनाकर खा सकते हैं। ये लगभग तैयार हो गया, इसको हम दूसरे बर्तन में खाली करेंगे। इसके लिए खाली ले लेते हैं, खाली लिए उसमें थोड़ा घी डाल दिए,
थाली में इसको फैला लेते हैं अच्छी तरह से फैलाकर। अब मूंग कतली हलवा को इस थाली में डाल देते हैं, गैस का फ्लेम बंद कर दिए, इसको में खाली कर देते हैं। ये थाली में खाली कर लिए हम, इसको फैला लेंगे और इसको जमने के लिए, ठंडा भी हो जाए और जम भी जाए इसके लिए आधा घंटा इसको ऐसे ही रहने देंगे। हम थोड़ा नारियल बुरादा डाल देते हैं इसमें, काजू डाल देते हैं, बादाम, चिरौंजी को भी डाल देते हैं, किशमिश दबा देते हैं ताकि अच्छी इसमें अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। A few moments later. हमारा मूंग कतली हलवा बनकर तैयार हो गया, सेट भी हो गया। लगभग आधा घंटा हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसको काट कर देख लेते हैं। ऐसे ही हम सबको प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए, हमारा मूंग कतली हलवा बनकर तैयार हो गया। ये हलवा देखिए कितना सुंदर बना है, इसको हमको पीसेस में काटे कितना सुंदर लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप लोग भी जरूर इसको बनाकर खाइएगा।